हाय फ्रेंड्स, और कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? और सब बढ़िया है? क्या हो रहा है? आज जो आप लोगों का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ, कुवैत विज़िट वीज़ा को लेकर के। बहुत बड़ा, आज 7 तारीख से कुवैत का विज़िट वीज़ा अजनबियों के लिए चालू हो गया है। तो वही हमने कहा चलो आप लोगों को ये मैसेज बता दें, मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू बना के आप लोगों को बता दें कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे वीज़ा निकल सकता है और कितनी सैलरी होगी, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं, क्या और किस प्रोसेस से आप और किन किन लोगों को बुला सकते हो। खुशखबरी ये है कि कुवैत की सरकार ने आज 7 फरवरी 2024 से अजनबियों के लिए विजिट वीज़ा और फैमिली वीज़ा चालू कर दिया है, जिसके तहत आप अपने, अगर विजिट वीज़ा भी बुलाना चाहते हो इंडिपेंडेंट को, तो आप अपने माता पिता, बच्चे और मिसेस को बुला सकते हो। इन लोगों को आप अपने बुला सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले मेटा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है, वीज़ा निकालने के लिए। बिना अपॉइंटमेंट के आप वहाँ नहीं जा सकते हो। बिना अपॉइंटमेंट के जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मस्ट है कि आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में और जो भी कंडीशन है उसके तहत आपको अपॉइंटमेंट में सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। आप अपने माता पिता पत्नी का वीज़ा निकाल सकते हो। आपकी सैलरी जो है, जो मेन रीज़न है, पहले क्या था, सैलरी कम थी। अभी गवर्नमेंट ने सैलरी का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि लोग अगर यहाँ पे अपनी फैमिली को बुलाएं तो उनको खर्चा वर्चा करने में या किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिनकी सैलरी कम से कम जो रखी है वो 400 दिनार हुए थी होने चाहिए उसके तहत ही। उससे कम अगर आपकी सैलरी है तो प्लीज़ आप अप्लाई करने के लिए मत जाइएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कम से कम 400 दिनार सैलरी आपका मिनिमम सैलरी होना चाहिए, तब आप पत्नी और बच्चों और माता पिता का वीज़ा, विजिट वीज़ा निकाल सकते हो। फैमिली वीज़ा नहीं, सिर्फ विजिट वीज़ा निकाल सकते हो आप, परमानेंट वीज़ा नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए कंडीशंस अलग हैं। ये विजिट वीज़ा का कंडीशन है और उसके लिए अलग हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आपकी 400 दिनार सैलरी है तो आप विजिट वीज़ा पे बुला सकते हो 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए आप बुला सकते हो। और अगर आप किसी रिश्तेदार या अपने मतलब भाई बहन या किसी को भी बुलाना चाहते हो तो उसके लिए है कम से कम आपकी सैलरी 800 दिनार होनी चाहिए। 800 दिनार के अगर नीचे सैलरी है तो आप किसी अपने रिश्तेदार या उसको विजिट पर नहीं बुला सकते हो। ये हो गई कंडीशंस। दूसरी कंडीशन ये है कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपको उनको रिटर्न वापस भेजना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि आपको दूसरे किसी भी एयरवेज से नहीं आना है। जिसको भी बुलाना है उनके लिए कंडीशन यही है कि नेशनल कैरियर का ही उपयोग किया जाएगा, दूसरी फ्लाइट में नहीं आ सकते हैं वो लोग। ये कंडीशन मस्ट है कि जो भी आएंगे विजिट वीज़ा पे या फैमिली वीज़ा पे उनको कुवैत एयरवेज का ही फ्लाइट लेना पड़ेगा। ये यहाँ की गवर्नमेंट की कंडीशन है कि कुवैत एयरवेज की फ़्लाइट लेना ज़रूरी है अगर आप विजिट वीज़ा पे या उस पे आ रहे हो। दूसरे वीज़ा पे आ रहे हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो उसके लिए कुवैत एयरवेज का फ़्लाइट लेना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह है, जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, अगर इन केस वो बीमार हो जाते हैं या कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपका उनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कराना पड़ेगा। ये कंडीशंस मस्ट हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा बुलाने से पहले, नहीं तो बाद में यहाँ पे आप लोग मुसीबत में पड़ोगे कि वीज़ा अभी इलाज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए मस्ट ये है कि आपको उनका इलाज, जो भी आपके बच्चे या रिश्तेदार जिनको भी बुलाना है, तो उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होगा। ये भी एक कंडीशन है, जो भी लोग आएंगे उनका इलाज आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराना पड़ेगा। अब कुवैत गवर्नमेंट ने जो है 53 देशों के लिए ई वीज़ा इशू किया है, ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा। अगर टूरिस्ट पे कोई आना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ MOI गवर्नमेंट इन कुवैत पे जा कर के कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं।
और अगर आपको यहाँ वीज़ा निकालने के लिए जाना है तो मेटा की वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट लीजिए और वीज़ा निकालने के लिए जा सकते हैं। यह मस्ट जानकारी जो मुझे मिली मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ और आगे भी कोई जानकारी मिलेगी इससे रिलेटेड मैं तो आप लोगों को बता दूंगा। और हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को पता चल सके कि नए वीज़ा की गाइडलाइंस क्या हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अगर आप वैसे ही जाओगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मस्ट ये है कि पहले आप प्रिपेयर होकर हर एक चीज़ के लिए, उसके बाद में ही स्टेप वहाँ पर बढ़ाएँ। बाकी कंपनियों के लिए कमर्शियल विजिट वीज़ा भी चालू कर दिया है, वो कंपनियों की हेडेक है। कंपनियां अगर किसी को बुलाना चाहती हैं विजिट पे, उसका काम वाम देखना चाहती हैं, तो वो भी कंपनियों के लिए भी चालू किया है। मतलब ऑप्शन सारे हैं। अगर आप फैमिली का परमानेंट वीज़ा बुलाना निकालना चाहते हो तो उसके लिए 800 दिनार आपका सैलरी होना चाहिए, तब आप परमानेंट अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हो, बीवी बच्चे वगैरह माँ बाप वगैरह। अभी माँ बाप की एज लिमिट ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि किस एज तक के आ सकते हैं, ऐसा अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आया है। इसका मतलब है कि किसी भी एज के जो बुज़ुर्ग हैं उनको आप बुला सकते हो, ऐसा कोई अभी तक गाइडलाइंस मेरे नज़र में नहीं आया है। मैंने पूरा चेक किया है कि अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि आप अपना प्लीज़ इंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली को बुलाइए, साथ में रखिए अपना जो जो इसके लिए कैपेबल है, जिसकी सैलरी इसके लायक है। विजिट वाले विजिट पे बुलाएं, अपना परमानेंट वाले परमानेंट पे बुलाएं, और मेरे को आगे जो भी कोई जानकारी मिलेगी वो आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। और बताइए मेरी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ इस स्माइल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।